हेलो फ्रेंड्स, जब भी किसी के लिए तनाव की बात आती है तो अक्सर आपने देखा होगा कि घरों के अंदर काफी लड़ाइयां होती हैं। पुरुष कहते हैं कि हमें ज्यादा टेंशन है क्योंकि हम घर संभालते हैं और हम नौकरी करने भी जाते हैं, तो महिलाएं भी इसी चीज को लेकर और ज्यादा बोलना शुरू कर देती हैं कि हम भी तो घर संभालते हैं, बच्चों को संभालते हैं, आपके लिए खाना बनाते हैं। और बहुत ही ज्यादा अच्छी वुमेन हो, एजुकेटेड हो, तो वो नौकरी भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं पुरुषों और महिलाओं में सबसे ज्यादा तनाव एक्चुअल में कौन लेता है? आज उसका जवाब मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ। जी हाँ, पुरुषों और महिलाओं के अंदर सबसे ज्यादा तनाव महिलाएं लेती हैं, क्योंकि किसी भी चीज में या फिर किसी भी फील्ड में आप आसानी से देख सकते हैं कि महिलाओं का वर्कलोड ज्यादा होता है। वैसे तो पुरुषों और महिलाओं दोनों ही इक्वल हैं, सबके काम और सबकी काबिलियत अलग अलग है। कोई भी अपनी अपनी फील्ड में अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है, लेकिन जब तनाव की बात आती है तो महिलाएं अक्सर ज्यादा तनाव में नजर आती हैं, क्योंकि पुरुषों के पास यूजुअली घर के अंदर आने का, खाने पीने का और नौकरी करने का ही वर्कलोड होता है। अगर उन्हें तनाव होता भी है तो वह केवल ऑफिस की वजह से हो सकता है। अगर ज्यादा परेशानी है तो घर की वजह से भी उन्हें तनाव हो सकता है। लेकिन महिलाओं के अंदर घर की वजह से, ऑफिस की वजह से, हस्बैंड की वजह से, बच्चों की वजह से और पूरे परिवार की वजह से काफी ज्यादा तनाव हो सकता है। इसीलिए अगर आप भी अपने वाइफ से लड़ते हैं और ये कहते हैं कि आपको ज्यादा टेंशन रहती है, तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर पुरुष बार बार इस चीज को कहते रहते हैं कि उन्हें ज्यादा टेंशन रहती है और महिलाएं कभी भी इस चीज को नहीं कहती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जानती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने भी अपनी टेंशन दुनिया के सामने रख दी तो वो अपने सारे कामों को सही से नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस वीडियो को देखिए और अपनी टेंशन्स को साइड रख दीजिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।